तो गाइस मैं अपने स्टोर पे आ गया हूं, ऐसे ऐसे क्लिक करके ओपन करते हैं। चलो फाइनली हो गया। एंड अब हम अपने डेस्कटॉप पे देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स अनलॉक हुआ है उस दिन, गाइस इनको बाय करने बात हो गाइस। हमें यहां देखने को मिल जाता है चिप्स, टोफू, हैंड सोप, क्लीनर एंड शैम्पू। और ये क्या टॉयलेट पेपर भाई? टॉयलेट पेपर का प्राइस देखो, लिटरली 20 डॉलर का एक यूनिट आ रहा है टॉयलेट पेपर का। सबसे महंगा प्रोडक्ट यही होने वाला है अब तक का, तो सोच सकते हैं कि कितना महंगा है। तो गाइस इस समय ना मुझे अपडेट होगा, वो मीम याद आ गया जब बोल पंजाबन बोलते हैं ना कि ये पिछवाड़ा साफ करने वाले कागज, मतलब ठीक है भाई इतना महंगा और इन सब प्रोडक्ट्स को मुझे बाय करना है तो मेरे पास काफी ज्यादा कैश होना चाहिए। एंड फिलहाल तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितना कैश, लिटरली मैं 171 समथिंग डॉलर्स। इससे तो हम कुछ भी बाय नहीं कर सकते, तो थोड़ा हमें ग्राइंड करना पड़ेगा एंड थोड़ा मनी जनरेट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए हमें चाहिए कस्टमर्स। कस्टमर कब आएंगे पता? शॉप तो ओपन कर दिया है, थोड़ी देर बहुत देर वेट कर रहा है, कुछ कस्टमर आ गए हैं। एंड भैया आपका क्या चाहिए? दो पैटी सीरियल, दैट्स इट। अरे भाई कितना सही मांग दे, मतलब एक दो डॉलर वापस करना ही तो हम कह सकते हैं इतने बड़े थोड़ा है। और अंकल आपके एक आप देखेंगे 100 डॉलर्स देंगे पक्का भाई। जिंदगी में पहली बार इन अंकल ने मेरे को जेस्ट अमाउंट दिया है, एक डॉलर वापस करना है भाई, बहुत अच्छे थैंक यू अंकल। ऐसे इतना हेल्प करो और ऐसे अमाउंट दो ताकि मेरा काम जल्दी हो। एंड गाइस मुझे पता चला कि हमारे स्टोर का हमें बिल भी पे करना होता है एंड रेंट भी पे करना होता है, एंड अगर हम पे नहीं करेंगे तो हमारा स्टोर बंद है। तो उसके लिए हमें जाना होगा मैनेजमेंट में एंड बिल्स के सेक्शन में। तो यहाँ बिल्स में आ गए हैं, यहाँ देखते हैं उनका 3 बिल और 3 रेंट है जिन्हें हमें पे करना होगा। पता नहीं डेली रेंट होता है कि मंथली रेंट होता है, फिर से पे कर देते हैं। तो तीनों ने पे कर दिया एंड हमारे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं किसी का। एंड अब थोड़े पैसे और चाहिए ताकि हम को पाए करते, इसके लिए हमें काफी देर वेट करना होगा कस्टमर से। कस्टमर मेरे हिसाब से तो आते नहीं है, उनका तो अलग भाई चलता रहता है। तो वेट करते हैं एंड देखते हैं कस्टमर किस स्पीड पे आएंगे। तो फाइनली कस्टमर आ गए हैं एंड अंकल आप क्या लेके जा रहे हो? भाई अंकल कैसे इंसान हो, मतलब 50 डॉलर वापस करो भाई, 24 डॉलर भाई ऑलमोस्ट मैंने एग्जैक्ट डॉलर वापस किया, बस थोड़े से सेंस तो नहीं किए अपने टिप कार्ड में, उसमें क्या दिक्कत हुई अंकल आपको? भाई नेगेटिव में एक्सपीरियंस मिला है, क्या बकवास है। आंटी आपके लेके जा रही हूँ, आंटी नहीं है तो मैडम है, मैडम क्या लेके जा रही हूँ, बहुत अच्छी होगा आप मैडम, क्यों दिया आपने, क्यों मेरे वक्त पर बात कर रही हूँ, निकलो वापस स्टोर पे आना मत। कैसे कटिया मैडम थी, सेट मॉन नहीं दे सकती, क्या कटिया मैम। तो वैसे ही आंटी आ गई, ये भी काफी सारा सामान लेके चली, पता नहीं ये कितने डॉलर्स हमें देगी। तो हमें इसे एक्सचेंज से 2 डॉलर्स, तो इसने काफी सेम अमाउंट दिया था और ये तो काफी अच्छी कस्टमर निकली। आंटी वापस स्टोर पे जरूर आना। एंड भाई उन दोनों छपनी को देखने क्या कर रहे हैं, झाग झाग के देख रहे भाई, दिख रहा है इतना ही माल है, फिर क्या देख रहे, पता नहीं क्या अलग चीज दिख जाएगी भाई। क्या तुम बोर्ड यार, कैसे बंदे आते हैं आजकल स्टोर पता नहीं। ओके बोर्ड बिल्डर तो छाप के देखने का क्या लेके जा रहा है, इससे डील करते हैं, उसके बाद नए प्रोडक्ट्स को हम बाय कर लेंगे। तो ये लेके जा रहा है 4 बोतल पानी, से आई मीन स्टोर पर भी कुछ सामान है तो वो ले जाता, ये लेके जाएगा क्या बोर्ड यार, इसका बिल बना के देते हैं। निकल भाई, एक बिल का तो 2 आ जा रहा है, 2 बिल का 3 आ जा रहा है, काफी टाइम वेस्ट करेंगे। तो वैस काफी देर तक वक्त बात करने के बाद मैंने सब कस्टमर को उनका माल दे दिया एंड फाइनली अब थोड़ी देर मुझे रिलैक्स होने का मौका मिला है कि स्टोर ही खाली हो गया तो कस्टमर आए रहे नहीं गेस्ट। तो फटाफट कुछ नए प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं एंड हम बाय करेंगे उन्हीं सब प्रोडक्ट्स को जिन्हें मैंने लो अनलॉक किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो ऐसे ये सब चीजें बाय कर, तो ऐसे मैंने नए प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर लिया एंड आप देखते हैं कितना महंगा पड़ रहा है, 324 समथिंग डॉलर्स का, और मेरे पास कितना है आपके सामने। तो अगर मुझे इसे बाय करना है तो कुछ प्रोडक्ट्स को रिमूव करना होगा और सबसे ज्यादा महंगा है हमारे लिए टॉयलेट पेपर, तो इसी वजह से रिमूव करते हैं। एंड इन सबको मैंने बाय कर लिया, अब फटाफट से स्टोर पर लगाते हैं ताकि कस्टमर चिल्लाए ना कि भाई माल नहीं है। तो पहले से लगाते ये क्या, ये है क्लीनर, ओके से यहाँ लगाए थे एंड इसका प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है इसका और वो पौने 60 डॉलर रेट, तो वैसे 60 डॉलर में बेचूंगा थोड़ा और ज्यादा प्रॉफिट, अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो चेंज कर देंगे भाई प्राइस, आपने तो माल। और गाइस अब मैं फटाफट से इन सभी प्रोडक्ट्स को भी शेल्फ पे रखता हूं और इनका प्राइस भी हाथ वक्त सेट कर दूंगा। तो गाइस बहुत देर तक मेहनत करे बाद मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स को शेल्फ पे लगा दिया एंड इनका प्राइस भी सेट कर दिया। एंड अब इस भीड़ का मुझे सामना करना है, मेरा सारा दिमाग खराब, काश मैं किसी कैशियर को रखता, पर अभी नहीं रखता, दुकान नहीं है मेरी, क्या कर सकते हैं। तो वैसे सुबह से शाम हो गई और ये लाइन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ एक तरह से अच्छी बात है कि मेरे स्टोर में इतनी बड़ी लाइन लग रही है, बट भाई ये कस्टमर्स कुछ ढंग का सामान तो लेते नहीं है, 5-10 डॉलर सामान लेंगे, 2-3 डॉलर प्रॉफिट होगा और घंटों बर्बाद करते हैं, क्या फायदा, इससे अच्छा लाइन लगाओ मत, एक एक करके आ जाओ। पर नहीं, इन तो लंबे हमें लाइन लगानी है, बस देख लो रात भी हो गई पर लाइन की खत्म ही नहीं हो रही है। अरे यार खत्म हो जाओ भाई, घर जाओ अपने, मेरे को भी घर जाना होता है, थोड़ा और काम करना होता है, नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पर तुम भाई खत्म हो तब तो कुछ करे। तो वैसे आप देखते रात के 9 बज के सुबह से लगा होता है स्टोर पर एंड अब तक ये लाइन खत्म ही, मतलब अभी भी ये लोग आया जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, आया जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, भाई कितना टाइम बस बात करोगे, जाओ अपने घर, मुझे भी अपने घर जाने दो, रात के 9 बज गए यार, सोना भी होता है, कुछ काम भी करना होता है, खाना वाना भी खाना होता है, पर नहीं ये लाइन एकदम ही नहीं हो रही। तो गाइस फाइनली ये सारे कस्टमर्स अपने घर चले गए माल लेके एंड अब कोई और नहीं आने वाला, ठीक है मैं डे एंड करता हूँ, देख लेते हैं आज में कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइस इसी के साथ डे एंड हो गया है एंड आज के दिन में हम प्रॉफिट कर रहे हैं 179 डॉलर्स का, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट डे कर लेते हैं, तो गाइस नेक्स्ट डे हो गया, जैसे आप देख सकते हैं साइड में कुछ प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हुए, तो इनको भी हम बाय करेंगे एंड उससे पहले अपने स्टोर यहाँ से क्लिक करके ओपन करते हैं। तो गाइस स्टोर ओपन हो गया एंड तो कुछ प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं, हमारे जो स्टोर वो ऑलमोस्ट खाली पड़ा था, रात को जाने से पहले मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर दिया था, तो मुझे यहाँ से इन्हें डायरेक्टली पेमेंट करके परचेज करना है, तो प्रोडक्ट तो हमारे बाहर डिलीवर हो गए होंगे।
तो इन सबको फटाफट से शेल पे लगाते हैं। एंड आइटर यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगा देना जिसमें मैंने प्रोडक्ट को शेल पे लगा दिया। तो इस फाइनली मैंने सभी प्रोडक्ट को शेल पे लगा दिया, इन सब का प्राइस मैंने सेट कर दिया है और अब हमें इन कस्टमर्स की लाइन का सामना करना है एक बार फिर से। लिटरली ये मेरे स्टोर का सबसे वाहियात प्रोसेस है जो मुझे करने में बहुत गुस्सा है। मतलब हाँ से मैं पैसा मारूँ पर फिर भी यानी दो तीन दो बार सामान लेते हैं और बहुत करते हैं। तो भाई तू क्या लेके जा रहा है ये जो। तो बस किसी ने टॉयलेट पेपर का पैक खरीदा, पता नहीं कितने डॉलर्स का हमें प्रॉफिट जनरेट करके देंगे एंड वो देख लेते हैं जब तक कस्टमर से डील करते हैं। तो बस फाइनली जिस इंसान ने हमसे टॉयलेट पेपर बाय किया है वो कस्टमर आ गया है एंड ये तो एक बिजनेसमैन टाइप का बंदा लग रहा है। तो हाँ चलो 40 डॉलर सही है, एक टॉयलेट पेपर का पैकेट लेके एंड 40 डॉलर सही है ना। एंड अंकल आप क्या लेके चलो, तो पैकेट टॉयलेट पेपर एंड कुछ फालतू पेपर। अरे भाई इन अंकल ने अब तक की मेरे को सबसे बड़ी सेल दे दी मेरे स्टोर की 120 डॉलर। गाइस मानना पड़ेगा अब तक की सबसे बड़ी सेल सही है अंकल। भाई दो कस्टमर से सिर्फ टॉयलेट पेपर पाया क्या एंड मेरे को इतनी बड़ी सेल मिली। दो बंदों टॉयलेट पेपर बेच के हम ऑलमोस्ट 300 डॉलर पर पहुंच गए और कहाँ पे पहुंचे। तो आप सोच सकते हो कि कितना फायदा है सिर्फ एक में, मानना पड़ेगा सही में। तो वैसे टॉयलेट पेपर से मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट हुआ था, इस चक्कर में मैं और ज़्यादा ही टॉयलेट पेपर बाय कर लेता हूँ ताकि हम और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर से। एंड जैसे एक बिजनेसमैन का माइंड चलता है जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो उस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। तो वैसे मैंने 3 यूनिट टॉयलेट पेपर और बाय कर लिए, फटाफट से शेल पर लगा देते हैं। तो इसे यहाँ लगाते हैं एंड इसका जो बॉक्स है इसे डस्टबिन क्या जाता हूँ। अरे गाइस मैंने अभी तो यहाँ पे 2 टॉयलेट पेपर का वो लगाया था पैकेट अभी गया हुआ, तो आप देख सकते हैं टॉयलेट पेपर की कितनी ज़्यादा डिमांड है एंड जितना डिमांड होगी वो भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वैसे मैंने सारे टॉयलेट पेपर को शेल पर लगा दिया एंड अब कस्टमर की भीड़ के साथ हम डील कर लेते हैं। तो फटाफट से इनका बिल काटते हैं एंड भैया आपके लिए तो टॉयलेट पेपर्स। भाई अभी मैं 40 डॉलर पे था, इस बंदे के 2 टॉयलेट पेपर का पैकेट खरीदते ही मेरे 120 डॉलर जनरेट हो गए। तो फटाफट से थोड़ा ओपन ग्राइंड करते हैं एंड 200 डॉलर तक जनरेट करते हैं ताकि हम नेक्स्ट सेशन को बाय, मतलब नेक्स्ट सेशन को या सेक्शन बाय में कंफ्यूजन पड़ चुका हूँ तो प्लीज इसको इग्नोर करना। मैं सेक्शन को बाय करते हैं। फाइनली बहुत देर तक ग्राइंड करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 250 डॉलर तक जनरेट कर लिया है एंड अब हम नेक्स्ट सेशन को बाय करते हैं। ये लास्ट कस्टमर है ओके, तो हमारे 245 डॉलर जनरेट हो गए एंड मैं आप सके भाई मैं क्या करूँ कस्टमर सा, बिजनेस पे ध्यान नहीं देते, बार बार आ जाते हैं बस एक एक दो दो प्रोडक्ट लेके। देखो एक प्रोडक्ट लेके जा रहा है 5 डॉलर का, क्या प्रॉफिट होगा? 1 या 2 डॉलर का प्रॉफिट होगा। 3-4 डॉलर तो मैं खरीद के लाऊंगा मार्केट से, क्या फायदा भाई? ठीक है भाई 5 डॉलर हो गए तो गाइस हमारे पास अब 250 डॉलर जनरेट हो गए। तो फटाफट से अब नेक्स्ट सेशन को बाय कर लेते हैं। ये लाइसेंस में क्यों होगा तो ग्रोथ में जा रहा है। हाँ ये रहा, चलो यहाँ से बाय कर लेते हैं और हो गया बाय। अब चलिए स्टोर में देख लेते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या सच्ची हमारा स्टोर कुछ एक्सपेंड हुआ या नहीं हुआ। गाइस घंटा कुछ एक्सपेंड नहीं हुआ, सिर्फ पैसा बर्बाद, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ सेक्शन को बाय करने के बाद, क्या फायदा भाई? बर्बाद हो गया पैसा, क्या करें, पूरा पैसा बर्बाद। अब फिर से पैसा जनरेट करो, उसके लिए पहले जाकर इनका बिल काट के दो। पहले बिल काटने से पहले लाइट को तो ऑन कर लेते हैं, लाइट भी ऑन करता, कैसा घटिया मालिक है स्टोर का। वैसे गाइस मेरे को अब नहीं लगता इस गेम में और कुछ है प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इस गेम को कंप्लीट कर दिया पूरा। बस एक ही प्रोडक्ट लाइसेंस है लेवल 3 का, इसको बाय करना है, तो वो मैं बाय नहीं करने वाला क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, यानी गेम बहुत ज्यादा स्लो हो गया इस पॉइंट पे आगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या मुझे इस गेम के और पार्ट बनाने चाहिए, और इन द सेंस एक लास्ट पार्ट और बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने इस गेम को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। मेरा कौन यही इस गेम प्ले सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। अगर आपने कमेंट किया बनाना है तो मैं जरूर एक वीडियो और बना दूंगा, वरना दैट्स इट। एंड फॉर आज की वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आपको लेटेस्ट गेम प्ले वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर करके प्लीज मुझे अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। एंड मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड Thanks for watching.